बिहार के सियासत के लिए आज का दिन बेहद खास है। बिहार विधान परिषद के निकाय कोटे से जो वोटिंग हुई है उसकी गिनती आज होने वाली है। सुबह 8 बजे से यह गिनती शुरू होगी। आपको बता दें कि जिन 24 सीटों पर चुनाव हुए उनमें 185 जो उम्मीदवार हैं वो मैदान में हैं। उनकी किस्मत का फैसला आज होने वाले हैं। आपको बता दें कि स्थानीय निकाय कोटे से हुए बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए आज जो परिणाम आने वाले हैं, आज मतगणना का दिन है। उन सभी 24 सीटों पर आज मतगणना होगी जहां 4 अप्रैल को वोट डाले गए थे। बिहार विधान परिषद चुनाव में जीत के दावे एनडीए गठबंधन से लेकर आरजेडी तक की तरफ से किया गया था। हालांकि महागठबंधन का पुराना स्वरूप इस बार विधान परिषद चुनाव में देखने को नहीं मिला। कांग्रेस ने अकेले अपने दम पर उम्मीदवार उतारे हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान एनडीए के हिस्से से मुकेश सहनी भी बाहर हो गए। वो भी अपने उम्मीदवारों को अकेले मैदान में उतार कर अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। 24 सीटों के लिए हुए चुनाव में उम्मीदवारों ने पूरी ताकत लगाई है। बीजेपी ने कई उम्मीदवारों का टिकट काट दिया तो वह बागी बनकर भी मैदान में आ डटे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने उम्मीदवारों की जीत के लिए लगातार चुनाव अभियान चलाया। हालांकि नीतीश कुमार ने विधान परिषद चुनाव में प्रचार से दूरी बनाए रखी। पटना में भी मतगणना के लिए तैयारी पूरी की जा चुकी है। पटना के आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय में मतगणना के लिए सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। यहाँ 14 टेबल पर मतगणना का काम शुरू होगा। एक चरण की मतगणना खत्म होने में लगभग आधे घंटे का वक्त लगेगा। यदि पहले राउंड में कोई उम्मीदवार 50% से अधिक वोट हासिल कर लेता है तो दोपहर बाद तक परिणाम आने के साफ संकेत दिखेंगे। हालांकि पहली वरीयता के मत का फायदा चुनावी नतीजे जल्द आने के तौर पर मिलेगा। वहीं दूसरी वरीयता की गिनती होने पर परिणाम में देरी होगी। विधान परिषद चुनाव में वरीयता के मुताबिक मतदाता मतदान करते हैं। आपको बता दें कि बिहार विधान परिषद के जिन 24 सीटों के लिए 185 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं उनके भाग्य का फैसला अब से थोड़े देर बाद होना शुरू हो जाएगा। आपको बता देते हैं कि पूरी प्रक्रिया जो है मतदान की वो वरीयता के आधार पर की गई है। ये वोटिंग जितना टफ है उतना ही टफ इसकी गिनती भी मानी जाती है। पूरे प्रदेश के अंदर किन किन जगहों पर आज वोटिंग होने वाली है वो हम बता देते हैं। आपको बता दें कि जिन 24 सीटों पर चुनाव हुए हैं वहाँ पे जो काउंटिंग के लिए मतगणना केंद्र बनाए गए हैं उसमें पटना, नालंदा, गया और जहानाबाद, अरवल, ये गया, जहानाबाद, अरवल तीनों जगहों का एक ही जगह पर काउंटिंग होना है। औरंगाबाद, नवादा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, सारण, सिवान, गोपालगंज, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, समस्तीपुर, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, भागलपुर, बांका, मधुबनी, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार और बेगूसराय, खगड़िया, इन जिलों में मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। लोग यहाँ दिल्ली बंबई में घर पर घर खरीदते जा रहे हैं और एक ये साहब है कि अपना घर बेच दिए। वाह, रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिए थे दिल्ली में घर लेने के लिए। अरे बाबूजी, तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे हैं ना? नया घर खरीद रहे हैं कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया में? हाँ। अरे बाबूजी, दिल्ली बंबई में घर खरीदना अच्छी बात है लेकिन अपने घर पे घर खरीदना बड़ी बात है। देखिए, पूर्णिया में पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट दोनों जगह का ऑप्शन उपलब्ध है, देखिए और बुक कराइए। मतलब अपने शहर में अपना घर? जी बिल्कुल, अब कीजिए घर वापसी पूर्णिया के पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट में। पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट, आपके शहर में आपका अपना घर।